अनंतपुर मिस्ट्री के 46 मुद्दों की चर्चा अपनी चल रही है। जन्म के 10 अतिशय पे कल अपन ने छोड़ा था, ये जन्म के 10 अतिशय, ये तीर्थंकरों के जन्म समय से 10 अतिशय होते हैं और 10 अतिशय जन्म के कहे जाते हैं। क्या है देखो, पहला अत्यंत सुंदर रूप, दूसरा सुगंधित तन, उनका शरीर जो है अत्यंत सुगंधित होता है, पसीना नहीं आता, निहार नहीं, भोजन तो करते हैं, आहार करते हैं, लेकिन मलमूत्र नहीं होता। हित मित व प्रिय वचन, हितकारी और मित मने मीठे नहीं, मित माने अल्प, प्रिय माने मीठे, मित माने अल्प कम, सीमित शब्दों में अधिक बात कहना। हितकारी होंगे, अल्प होंगे और प्रिय होंगे, ऐसे उनके वचन होंगे। ये तो कल अपन ने बात कही थी, ये सारे तीर्थंकरों के ही अतिशय हैं और किसी के सब सामान्य केवलियों के नहीं होते। तीर्थंकरों में भी जिनको पंच कल्याण होते हैं उनके ही होते हैं, विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों के भी नहीं होते, सब मतलब विदेह क्षेत्र के सब तीर्थंकरों के नहीं होते। जिनके पंच कल्याण होंगे उनके जन्म कल्याण होगा, जन्म के अतिशय होंगे। अभी तीर्थंकर प्रकृति बांधी नहीं है तो जन्म के दस अतिशय कैसे आएंगे, सब पुण्य से संबंध रखते हैं। तीर्थंकर बनती है तो उसके साथ का पुण्य बहुत होता है और तीर्थंकर नहीं बनती है तो ठीक है जो है जनरल, लेकिन आत्मिक गुणों की अपेक्षा कोई अंतर नहीं होता। संसार में ये जितना अतिशय आदि का अंतर है अरंतों में, मैंने किसी के अतिशय है किसी के नहीं है, ये सब पुण्य से संबंध रखने वाले, सारी विभूति पुण्य के उदय जन्य है और ये सब पुण्य पाप का यही नाश हो जाने वाला है। सिद्ध अवस्था में कोई अंतर नहीं है, केवल ज्ञान में आत्मिक गुणों में कोई अंतर नहीं है, वीतरागता में कोई अंतर नहीं, अनंत चतुष्टय में कोई अंतर नहीं, चाहे तीर्थंकर हो चाहे केवली सामान्य केवली। ये तो हम अपने प्रयोजन की अपेक्षा से तीर्थंकर को अधिक याद करते हैं क्योंकि उनकी धर्म सभा सर्वोत्कृष्ट होती है, उससे अनेक जीव मोक्ष के मार्ग में लगते हैं, अनेक जीव को मुक्ति का मार्ग मिलता है, धर्म की पद्धति मानो उनसे चलती है, तीर्थ नायक होते हैं, शासन उनका चलता है, ये सब विशेषता होने के कारण हम तीर्थंकर को अधिक याद करते हैं, हमारे स्वार्थ की पुष्टि उनसे। जैसे एक राजा की सभा और एक सामान्य व्यक्ति की सभा, अंतर है ना दोनों, ऐसे तीर्थंकर की धर्म सभा सामान्य केवली की धर्म सभा, यद्यपि उद्देश्य दोनों में होता है लेकिन जो महत्व तीर्थंकर की धर्म देशना का होता है ऐसा सामान्य के उनका पुण्य कर, पुण्य का उदय उनके अधिक होता है। सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति होती तीर्थंकर, उससे बड़ी पुण्य प्रकृति संसार में और कोई नहीं, पुण्य की हद तीर्थंकर प्रकृति है, लेकिन है पुण्य प्रकृति वो, उसको भी नाश करके मोक्ष जाते हैं। मोक्ष जाने के लिए उसका भी अभाव करना होगा तब मोक्ष जाने, लेकिन जब तक मोक्ष नहीं जाते तब तीर्थंकर प्रकृति के उदय से समोषण आदि विभूतियों की रचना होती है, समोषण की रचना होती है, अष्ट प्रातिहार आदि होती है, सब पुण्य के विभव का फल है, आत्मिक विभव का फल नहीं। आत्मिक विभव का फल तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख है, पुण्य भाव का खेल है सब। कौन से पुण्य भाव का, जो धर्म के साथ रहता उसका, मैंने जो रत्नत्रयधारियों को जो पुण्य बनता है वो भी कितना उत्कृष्ट जाति का होता है वो बताता है, और उसमें भी रत्नत्रयधारियों में भी विशिष्ट रत्नत्रयधारी जिनके हृदय में भावना उत्पन्न होती है, तीन लोक के जीवों को ऐसा सुख प्राप्त हो जैसा सुख मुझे प्राप्त हुआ है, ऐसा सुख प्राणी मात्र को मिले, रत्नत्रय सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, अंदर में अनंत शांति अनुभूत होती है, खूब शांति मिलती है। जब वो शांति मिलती है उनके हृदय में ऐसी करुणा उत्पन्न होती है कि जगत के जीव व्यर्थ में दुखी क्यों रहे, इतना सरल सीधा मार्ग क्यों नहीं प्राप्त करते, और संसार के सब जीव दुखों से छूटकर
और शाश्वत सुख की प्राप्ति करे, इस अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करे, ऐसी भावना उनके हृदय में जागृत होती है और उसके फलस्वरूप उनको तीर्थंकर नामक पुण्य की प्रकृति का बल होता है। और फिर उसके फलस्वरूप तीर्थंकर प्रकृति के उदय के फलस्वरूप समोषण की रचना होती है, सहज में उनका धर्मोपदेश होता है और सचमुच अनेक जीव और शाश्वत सुख की प्राप्ति उनके निमित्त से कर लेते हैं। हृदय में ऐसी भावना थी ना उनकी, 16 कांड भावना वास्तव जगत के जीवों का कल्याण। प्राणी मात्र इस धर्म को समझे और सुख की प्राप्ति करे, जब स्वयं को सुख की प्राप्ति होती है तब उसको भाव ऐसा उत्पन्न होता है, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती, मिथ्या दृष्टि में तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती, सम्यक दृष्टि कोई बनेगी। तो उनके वचन हितमित प्रिय होते हैं, अल्प अक्षरों में हितकारी और मितकारी, अतुल्य बल, अतुल बल मानो उनके समान बल किसी का नहीं होता, बचपन से ही अंगूठा होता, अंगूठा अंगूठे से मेरू को हिला नहीं, पाँव के अंगूठे से वज्र को चूरा कर देंगे ऐसे। और इसमें प्रमाण भी है शास्त्र, जब उसके उपयोग करने का अवसर आया तो उन्होंने बता भी दिया। नेमिनाथ भगवान सभा में बैठे थे राजदरबार, वहीं श्री कृष्ण जी बैठे थे, बलभद्र बैठे थे, उनके भी पिताजी बैठे थे, सब बैठे थे। सभा में चर्चा चली कि सबसे अधिक बलशाली कौन है, किसी ने बलभद्र की तारीफ करी, किसी ने बलभद्र के पिताजी की तारीफ करी, किसी ने श्री कृष्ण की तारीफ करी। लोगों ने कुछ लोगों ने कहा कि जिस सभा में तीर्थंकर बैठे हो वहाँ अन्य की प्रशंसा शोभा नहीं देती, जो बल इनमें है वैसा बल न तो कृष्ण में है न बलभद्र में। कृष्ण जी को थोड़ा सा कि ऐसा कोई सा कौन सा काम करके दिखाया है, कैसे परीक्षा की जाए इनके बल की, हमने तो बहुत युद्ध वगैरह लड़े हैं, हमारा तो काम ही लड़ना भिड़ना का है, हमको तो सब जानते हैं क्या है, इनके बल का कैसे जो है विश्वास किया जाए। तो उन्होंने एक ही बात कही कि भाई जरा से काम करो कि ये जो पांव है, जिस पांव इस पांव को जरा सा कोई हिला दो बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं। जिस सिंहासन में बैठे हैं जो पांव रखा है ना, पांव को थोड़ा नहीं ना बल है जहाँ। तो पहले सब सेना को बुलाया उनका पांव हटाने, सेना क्या करे बेचारे, सारी सेना नहीं उनके पांव नहीं हटा पाते, पांव पे रस्सी बांध के जो भी हाथी वाथी सब लगा ली, कुछ नहीं, स्वयं बलभद्र आ गए उठ के, कुछ नहीं हुआ। बलभद्र के पिताजी ने हाथ पे लगा लिया, कुछ श्री कृष्ण जी स्वयं आ गए, कुछ नहीं हुआ, पूरी ताकत लगा दी पांव तक नहीं हिला पाए। ऐसे चीटिंगली का भी आता कि जरा से चीटिंगली टेढ़ी हो गई उसको सीधी करके होता, टेढ़ी उंगली खुद ने टेढ़ी कर ली, जरा से इसको सीधी कर दो, सारी सेना रस्सी लगा के झूल जाए पूरी ताकत लगा दे उसको सीधी करने की, सीधी नहीं होती क्या, मैंने जो जो सीधी करने में लगे हुए वो भी कोई सामान्य पुरुष नहीं है, कितने उसका पूरा वर्णन है शास्त्रों में, कितने कितने बेलों का बल एक सांड में होता है, अनेक बेल और अनेक सांडों का किस में होता है, एक हाथी में होता है, अनेक हाथियों का एक सिंह में होता है, अनेक सिंह का एक अष्टापद होता है उसमें होता है, और ऐसे अनेक अष्टापद का एक जो है सामान्य व्यंतर देव में होता है, और ऐसे अनेक व्यंतरों जैसे भी ताकत होती है इनकी, नारायण पति नारायण बलभद्र की भी कोई सामान्य जीव नहीं होता, और फिर भी उनसे अनेक गुना बल तीर्थंकर का होता, उनके समान बल किसी का नहीं होता। जैसे नारायण प्रति नारायण बलभद्र बलभद्र से अधिक बल होता है नारायण का, और नारायण से भी अधिक बल होता है चक्रवर्ती का, चक्रवर्ती से भी अधिक बलशाली होते हैं तीर्थंकर। शारीरिक बल की बात है, आत्मिक बल तो अनंत वीर के धनी है, इसलिए ये जो बात आती है ना जैसे कि उन्होंने उनके ऊपर उपसर्ग किया उनका क्या होता विचारों का, तो ये ऐसी बात है जैसे कोई कहे कि पंडित जी, कोई पंडित जी खुद ही कहे अपने बारे में, फिर भैया लेट क्यों आए, कि लेट मैं आ रहा था इतने में क्या हुआ बीच के अंदर ये जो पहलवान है ना कोई दारा सिंह, कौन पहलवान आजकल में आए हिंदुओं में, कौन पहलवान
नहीं अच्छा भी पहलवान का नाम है, सभी पहलवान है। कोई समय में दारा सिंह है, बोला अरे वो दारा सिंह को जो है दो बच्चे मिलकर भयंकर पीट रहे थे, तो मैंने उनको जाके बचाया, नहीं तो पता नहीं आज दारा सिंह का क्या होता। इस चक्कर में लेट हो गया। लोग कहेंगे ना कितनी बड़ी गप है, इससे बड़ी गप हो सकती है, लेकिन तुम्हारे अपने आप को देखो तो, और तुमने दारा सिंह को बचाया और दारा सिंह को दो बच्चे मार रहे थे और पता नहीं दारा सिंह का क्या होता। ऐसी बात है कि भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर उपसर्ग हुआ, किसने किया, कमठ ने उपसर्ग किया, और पता नहीं भगवान पार्श्वनाथ का क्या होता। वो तो अच्छा हुआ कि एकदम निर्णय पद्मा के समय पे आ गए, तो पता नहीं भगवान पार्श्वनाथ का क्या होता उसके। तो भाई तुम उनके बल को समझे ही नहीं, मतलब शास्त्र पढ़े कि नहीं पढ़े तुमने, शास्त्र में लिखा है हजारों यंत्रों के बल से अधिक बल नारायण प्रति नारायण तीर्थंकरों का, तो वो तो एक सामान्य यंत्र था, क्या कर सकता था। उनका आत्मिक बल इतना अद्भुत था कि वो उसकी तरफ देखने तक की इच्छा नहीं हुई, उनको देख लो, तो देख लेते ना तो उसकी ताकत नहीं खड़े रहने क्या, न उनके पुण्य के सामने न उनकी शक्ति के सामने, लेकिन विकल्प आत्म साधना में इतने मगन है, इतने लीन है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसकी तरफ देखने का भाव ही नहीं था, तो स्वरूप में मगन थे क्या। वास्तव में तो उनकी रक्षा अपने स्वरूप की लीनता से थी। रक्षा देखो कष्ट किस बात का है, असल में मुनिराज के ऊपर कष्ट किस बात का, कष्ट इस बात का साधना भंग हो जाए वो कष्ट है, ये कष्ट नहीं है। उसके प्रति राग द्वेष उत्पन्न हो जाए वो कष्ट है, वो उस कष्ट से रक्षा के लिए इसमें लगे, माने वो कष्ट कष्ट नहीं था, वो कष्ट को दूर करने ही कष्ट है क्या। हम सबको एक दृष्टि से देखते हैं, हमारी दृष्टि क्या है, बस किसी ने किसी के ऊपर लड़ाई झगड़ा की हो, अच्छा वो बचाने आ गया, नहीं बचाने आता तो पता नहीं क्या होता। अब वो कौन है, किसके लिए बात कर रहे हैं अपन, तीन लोग के नाथ है, और वो कमठ एक सामान्य व्यंतर देव है, और जो रक्षा करने आए गंडन पद्मावती भी व्यंतर जाति के देव है क्या, तो वो का तीन लोग के नाथ वो स्वयं आत्मरक्षित थे। हाँ यदि वो विषय कषाय मतलब वो उनका उपयोग बाहर जाता तो जरूर उनकी रक्षा होती, बाकी तो रक्षित ही थे। उसको जो है उपसर्ग करने का भाव आया, उसने पाप बांधा, इनको उनको बचाने का भाव आया, इन्होंने पुण्य बांधा, दोनों ने अपना अपना काम किया, न उन्होंने उससे द्वेष किया न उन्होंने उससे राग किया, वो अपने आत्मस्वरूप में मगन रहे और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति। क्षण भर में समोषण की रचना हुई, वो कमठ जिसको अपन अभी तक विलेन समझ रहे थे वही उनकी सभा में धर्मोपदेश सुनने आया और सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति कर ली, अपने से पहले मोक्ष चले जाए। फिर मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि अपन जो है अपनी दृष्टि बस वही एक विलेन अपने एक हीरो पर बचाने वाला हीरो और मानने वाला, अपन समझते ही नहीं कि क्या इसमें शास्त्र में आगे की घटना क्या लिखी है, पीछे क्या लिखी है, पर अपन तो बस इन्होंने मारा और इन्होंने बचाया, इन्होंने मारा इन्होंने बचाया, किसको बचाया पहले तो देखो किसको बचाया उन्होंने, तो मतलब जो उनको बचाया ये कहना मैंने उनके बल में कमी करना है कि वो वास्तव में स्वयं समर्थ नहीं थे जो उनके लिए किसी को आना पड़ा। अब वो क्या है वो आप जाना जो भी आपको कहना है, लेकिन अपन तो वस्तु व्यवस्था समझने बैठे हैं क्या कि क्या वस्तु स्थिति क्या है। अतुल्य बल के धारी होते, तीर्थंकर के समान बल किसी का नहीं होता है, इसलिए तीर्थंकर पूरी दुनिया में उपसर्ग करने आए वो अपने आत्म ध्यान से चुप नहीं होते, और उनकी उनकी महानता ही इससे है कि वो उससे च्युत न हो। देखो श्वेतांबर धर्म के अंदर एक बहुत अच्छी स्तुति है पार्श्वनाथ भगवान की, उसमें है ही बात, हे प्रभु पार्श्वनाथ मैं आपकी किस लिए भक्ति करता हूँ, आपकी भक्ति करने का आधार क्या है कि आपके ऊपर कमंड ने उपसर्ग किया है। वो कोई भी सामान्य जन होता तो उसको उनके प्रति द्वेष कमंड के ऊपर द्वेष भाव आए बिना नहीं, क्योंकि ये सामान्य जनों की वृत्ति है, अपने में ताकत भी हो लेकिन अपने को कोई मारने पीटने आएगा तो भी अपने को उसके प्रति थोड़ी द्वेष बुद्धि तो उत्पन्न हो जाएगी। और कोई अपना भला करने आया, भले कोई सामान्य भी पुरुष आया
लेकिन अपना निष्कारण कोई बंधु आ गया तो अपने को उसके प्रति राग उत्पन्न हुए बिना। तो हे पार्श्वनाथ, आप किससे महान हो कि आपको आपके ऊपर उपसर्ग करने वाले के प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ, आपको अपना उपसर्ग दूर करने वाले का भाव करने वाले के प्रति राग उत्पन्न नहीं हुआ, आपकी महानता इससे। और जितने जगत के देव हैं वो तो अपने भक्तों की जरा जरा से प्रसन्न हो जाते हैं, वो तो जिसका जो निपटारा उसी के निपटारा करने चले जाते हैं। चलो किसने तेरा बिगाड़ किया, उसने अच्छा उसको बिगाड़ कर देता हूँ। अरे यहाँ भक्त तो बहुत दूर है, स्वयं का बिगाड़ करने आया उसके प्रति द्वेष नहीं की, स्वयं का भला करने आया उसके प्रति राग नहीं किया। ऐसी साम्य वृत्ति आपके जैसी मुझे और कहीं नहीं दिखाई देती, इसलिए मैं आपके चरणों में आया। ये समता वृत्ति, ये राग द्वेष से परे वृत्ति, जगत में ऐसी राग द्वेष वृत्ति तो संसार के हर एक प्राणी प्राणी में पाई जाती है कि अपने मित्रों से राग करना और अपने शत्रुओं से द्वेष करना, शरीर का भला करने वाले के प्रति राग करना, शरीर का बुरा करने वाले के प्रति द्वेष करना। वो वृत्ति आपकी नहीं थी, आप उससे पूज्य हो, आपकी पूज्यता है उससे। इसलिए ये सब बातें अतुल बल के धारी है, उनके जैसा बल क्या है। अब वो तो हो गए गुण आजकल अपने, और वो जिसने रक्षा की वो मुख्य हो गया। अरे वो कहाँ जीव हो और कहाँ वो, मतलब इन दोनों की तुलना करना ऐसा है जैसे एक कांच और एक हीरा, तीन लोग के नाथ तीर्थंकर देव, और ये सामान्य अंतर है। मोक्ष जाएगा वो भी, लेकिन मोक्ष जाएगा लेकिन अभी असंयमी है, अभी संयमी नहीं। और सम्यक दृष्टि से अपन माने कि सम्यक दृष्टि से माने, सम्यक दृष्टि सारे लोकांतिक देव, सारे सर्वार्थ सिद्धि के देव और सारे शोधन इंद्र, ये सब नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं। सारे लोकांतिक देव अगले भाव से मोक्ष जाते हैं, सर्वार्थ सिद्धि के देव अगले भाव से मोक्ष जाते हैं, सच्ची इंद्राणी अगले भाव से मोक्ष जाते हैं, दक्षिण दिशा के सब इंद्र अगले भाव से मोक्ष जाते हैं, चारों लोकपाल अगले भाव से मोक्ष जाते हैं। तो यदि मोक्ष जाने की अपेक्षा देखो तो ये तो इनकी गारंटी है, अगले भाव से जाने वो इनकी नहीं है क्या। यदि यदि पूज्यता सम्यक दर्शन से मानो तो भी सर्वार्थ सिद्धि के सारे देव पूज्य हुए, क्योंकि नियम से सम्यक दर्शन है। और यदि अगले भाव से मोक्ष जाने के हिसाब से मानो, फिर पहली बात तो वो जो है गंतरों का तो अगले भाव से मोक्ष जाने का कोई नियम ही नहीं, और इन सब का तो नियम है। लोकांतिक देव नियम से अगले भाव में मोक्ष जाते, सर्वार्थ सिद्धि के देव नियम से अगले भाव में मोक्ष जाते, सचिन रानी सोदर में सब मोक्ष जाते हैं। क्यों नहीं पूछते अपन, क्यों नहीं मानते? सम्यक दृष्टि है वो सब, अपने से कम राग द्वेष संयम नहीं है। पूज्यता होती है संयम से, और देवों में संयम नहीं है, देव सब असंयम ही होते हैं। सम्यक दर्शन अकेला पूजा का कारण नहीं है, सम्यक दर्शन अकेला यदि पूजा का कारण होता तो सारे लोकांतिक देव और सर्वार्थ सिद्धि के देव भी पूजाते, वो नहीं पूजाते। उनके सम्यक दर्शन में तो कोई डाउट ही नहीं है, किसी गारंटेड सम्यक दृष्टि है सब, सारे सर्वार्थ सिद्धि के देव सब नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं, अगले भाव से मोक्ष जाते हैं। तो इसलिए पूज्यता का आधार ना सम्यक दर्शन है, ना पूज्यता का आधार अगले भाव से मोक्ष जाना है, पूज्यता का एकमात्र आधार है संयम, संयम, संयम। सम्यक दर्शन सहित जो संयम की प्राप्ति जिसे है वो पूज्य है, और जिसे सम्यक दर्शन सहित संयम नहीं है वो पूज्य नहीं। अकेला सम्यक दर्शन पूज्यता को प्राप्त नहीं होता, संयम पूज्यता को प्राप्त होता। ठीक है। और कोई कहे कि जिन धर्म के इनको भक्ति विशेष थी, भगवान की भक्ति, तो भगवान की भक्ति जैसी सोधर्म इंद्र को होती है ऐसी किसी के नहीं करता, जो वो नृत्य करता है ऐसा नृत्य कोई नहीं करता। तांडव नृत्य करता क्षण भर में, यहाँ क्षण भर में मेरु की प्रदक्षिणा करके वापिस आ जाए, और भगवान के 10 भावों का प्रदर्शन करता हो बिल्कुल, मतलब आनंद आनंद नाम का नाटक करता है, और आनंद नाम के नाटक में भगवान के पूर्व भावों को बताता है उस नाटक के द्वारा, और ये बताता है कि किस प्रकार से भगवान की मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ हुई, कौन से भाव से इनका धर्म में रुझान चालू हुआ, कहाँ सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, पूर्व भाव में कौन से भाव में इन्होंने महाव्रत धारण किए, किस प्रकार से इनको धर्म की रुचि हुई, किसने उपदेश दिया, कौन ने क्या किया, सारे 10 भाव का वर्णन होता है उसमें, कोई फालतू चीज नहीं। और नृत्य आदि के द्वारा पूरा प्रदर्शन करता है, बढ़िया एक बात, माता पिता के सामने, सारी उस नगर की प्रजा के सामने पीठ नहीं दिखती भगवान को, एक बार पूरा तांडव नृत्य होता है, भगवान को पीठ नहीं आती।
किसी जीव की हिंसा नहीं होती कुछ। विशुद्ध आध्यात्मिक मतलब अध्यात्म मैंने पूर्व भाव का दर्शन करने दर्शन कराने वाला भगवान की मोक्ष मार्ग की यात्रा को बताने वाला, उसको देख के अनेक जीव धर्म में लग जाते, उसको देख के भगवान की पूर्व भाव की गाथाएं देख के जीव धर्म में लग जाते। तो ये ऐसा तो अतुल बल है उनका। और कह देखो श्वेत, तो इसलिए भक्ति भी भगवान की किसको अधिक है, सोदर में देखो भक्ति भी उनके मुख्य कोई, इसलिए व्यंतर आदि को पूजने का तो कोई आधार ही नहीं। दूसरी बात, व्यंतर में जो उत्पन्न होता है वो नियम से मिथ्या तो सही उत्पन्न होता है गारंटी से। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, इनमें सम्यक दृष्टि मर के पैदा नहीं होता। सम्यक दृष्टि मर के पैदा होगा तो केवल बेमानी पास होगा, भवनात्री में नहीं होता। और ये सब जितनी भी आज आज की तारीख में जितनी देवी देवताओं की जो पूजा होती है ये सब भवनत्री के, कोई वैमानिक नहीं। तो भवनत्री सबसे हीन जाति के देव माने जाते हैं। जब भवनवासी व्यंतर ज्योतिषियों में सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होता क्या, इसमें आता है ये रत्नकरण शावकाचार में छेड़ाला में सब जगह कि सम्यक दृष्टि कहाँ का उत्पन्न नहीं होता। जब सम्यक दृष्टि मर के भी उत्पन्न नहीं होता उसकी सम्यक दृष्टि पूजा कैसे करें, सम्यक दृष्टि मर के नहीं जाता। प्रथम नरक शटभु ज्योतिष वान भवन सर नारी थावर विकल त्रय पशुमे नहीं उपज सम्यक धारण। प्रथम नरक बिन शटभु ज्योतिष वान भवन, ज्योतिष वान भवन का क्या होता है, ज्योतिषी देव, वान माने व्यंतर, भवन माने भवनवासी देव। तो ज्योतिषियों में, भवनवासियों में और व्यंतरों में सम्यक दृष्टि मर के उत्पन्न नहीं होता। रत्नगण शामाचार कोई भी ग्रंथ उठा लो, गोमठ सार, त्रिलोक सार, तत्वार सूत्र की टीकाएं, कोई ग्रंथ सारे आद्योपान, ये स्थिति। अब देखो आगे चलते हैं अपन थोड़ा। श्वेत रुधिर, अगला होता सफेद, सफेद खून होता है, ये बहुत पसंद है सफेद खून। इसके बाद में सम चतुरस्व संस्थान, ये क्या है सम चतुरस्व संस्थान मालूम किसी, क्या चीज़? नहीं नहीं आपने आप इधर से पूछा। सम चतुरस्व संस्थान, सम चतुरस्व संस्थान का अर्थ होता है आप बताओ चलो बराबर, मैंने एक जो है निश्चित प्रमाण में चारों तरफ दिखता है, वो केवल ज्ञान की बात होगा। जन्म से यदि चारों तरफ दिखेंगे तो माँ बाप को परेशान हो जाएगी, वो केवल ज्ञान की बात। अभी अपन पढ़ेंगे केवल ज्ञान के 10 अतिशय। जन्म का तो यह है कि वो सम चतुर संस्थान माने जितने भी अंगोपांग होते हैं वो एक बिल्कुल निश्चित प्रमाण में होते हैं। माने ऐसा नहीं कि कोई हाथ लंबा हो गया, पांव छोटी हो गई, नाक लंबी हो गई, कान लंबे हो गए, मुंह बड़ा हो गया, सारे अंगोपांग बिल्कुल निश्चित प्रमाण में होते हैं। आइडियल शरीर एकदम सांगोपांग, मतलब सारे अंगोपांग सम चतुर्थ, माने जैसे सम चतुर्थ होता है उसको कहते हैं अपन चौकोर चीज कोई एकदम बराबर प्रमाण में, लंबाई चौड़ाई सब बराबर, जैसे सारे अंगोपांग अपने निश्चित प्रमाण में, जितना हाथ होना चाहिए, जितने हाथ के प्रमाण में जितना पांव होना चाहिए उतना ही होगा, हाथ के प्रमाण में पेट मुंह मतलब सब जो एक शरीर आइडियल होना चाहिए जिस तरह का वैसा शरीर होता है। ऐसा नहीं कि किसी पांव को होता ना जैसे नीचे से लंबा ऊपर से पतला, ऊपर से लंबा नीचे से पतला, कोई कुबड़ निकल रही हो, कोई बोना हो, ये सब चीज़ें नहीं होती। जन्म से जैसा शरीर होता है बच्चे के भी हाथ पे लंबे हो जाते हैं, वो तो बच्चे से ही तो पता चल जाता है वहां से वहां तक कैसे हो। सम चतुर संस्थान बचपन से लेके आता है कि बाद में आके सम चतुर संस्थान होता है, जन्म से ही इसके बाद में वज्र विषम नारा सहनन। वज्र विषम नारा सहनन में क्या काम है, वज्र वृषभ और नाराज तीन चीजें, वज्र वज्र माने सबसे ठोस धातु को कहते हैं वज्र, और वृषभ है हड्डी, हड्डी होती है और हड्डी के अलावा उसके अंदर जोड़ होती है वेठन और कीली होती है, जैसे अपन ने बताया ना दो चीजें लगा होते, एक तो जॉइंट हुआ ना वहाँ, एक तो वो लगाते हैं नट और फिर उसको कसने की होती है। ऐसे जो उनका हड्डी है वो वज्र की है, हड्डी के जो जोड़ है वो वज्र के है, जो कीली थे पूरी तरह से वो कीलियाँ भी वज्र की है, नट जो बोल्ट लगा ना कोई वज्र का, सब वज्र का, किसी पे फेंक दो उस चीज के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उनका कुछ नहीं होगा।
वज्रषण नारासन अतुल सहदन माने हड्डियों के शरीर की अलौकिक ताकत, वज्र की हड्डियां, वज्र के बैठन, वज्र की कीली, सब वज्र का ऊपर से गिर जाए पहाड़ पे, पहाड़ चूरम चूर हो जाएगा, खुद का कुछ नहीं होएगा। हनुमान जी के साथ तो वही था, हनुमान जी वज्रषण नारासन के धारी थे। जो जो जीव उसी भाव से मोक्ष जाते हैं उनका नियम है कि वो सब वज्रषण नारासन के धारी होते हैं, इसके बिना मोक्ष नहीं होता। इससे मोक्ष हो जाता है मत समझ, इससे सातवें नरक भी जाता है, सातवें नरक जाने की पात्रता भी इसको ही होती है। वज्रषण नारासन माने ये क्या होता है, इसको कहते हैं ना जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा, जे धम्मे सूरा ते कम्मे सूरा, माने जो कर्म में शूरवीर होता है वो धर्म में शूरवीर होता है। तो ये दोनों तरफ जाते हैं, यदि अधिक जाए तो सातवें नरक तक भी, ऊपर जाए सर्वार्थ सिद्धि तक और मोक्ष तक, दोनों तरफ के रास्ते हैं इनके लिए। ऐसा नहीं कि मोक्ष ही जाएंगे, शरीर की इतनी सामर्थ्य होती तो ये इनके शरीर का अलौकिक बल होता, परिणाम भी बहुत उग्र होते, खड़े खड़े शेर को फाड़ कर, शेर सिंह अष्टापद आसीन, हजारों शेर आ जाए सामने तो वो खड़े खड़े निकाल के फाड़ दो, इतनी ताकत होती है। और किन्हीं किन्हीं के परिणाम जो क्रूर होते हैं वो तो नरक भी चले जाते सीधे, इसका उत्कृष्ट उत्कृष्टता अवस्था ये भी कि सातवें नरक तक जा सकते हैं, सातवें भी जाए जरूरी नहीं लेकिन सातवें तक जा सकते हैं। तो सातवें जाने के लिए एलिजिबल केवल वज्रषण नारासन का धारी पुरुष ही होता है, बाकी पांच सैनन और होते हैं इसके अलावा, वो सैनन का धारी सातवें नरक भी जा सकते हैं। वो भी वज्रषण नारासन का धारी होता है, वहां महामत्स नहीं तो क्या, इनमें तीर्थक तिर्यंचों में भी छह सैनन होते हैं, वज्र का होता है। और एक्चुअल में क्या है, ये जो शरीर की सामर्थ्य होती है उससे ध्यान की भी अलौकिक सामर्थ्य होती है, सिर पे सिगड़ी जल रही है, शियाली चार दिन तक खा रही है, क्या शेर खा रहा है, आँख मतलब घानी में पेल रहे हैं, अब आते खा रही हो तीन दिन से सिगड़ी सिर पे जला दी गई हो, सिगड़ी सिर पे, शरीर में लोहे के आभूषण पहना दिए, चमड़ी छील दी, नमक भर दिया, सारे बड़े बड़े कीड़े आ गए काटने, भयंकर डांस और भीषण ऐसे दारुण उपसर्ग कि अपने सुन के रोंगटे खड़े हो जाए, लेकिन ऐसे ऐसे भीषण उपसर्गों को भी अत्यंत समता से सहन कर। आत्मा की इतनी तीव्र रुचि और इतनी सहन करने की मतलब अंतरंग, इतना शरीर का भी बल है इसमें, यदि देह का बल नहीं तो उड़ जाए वो असली बल तो आत्मा का ही है, नहीं तो वो तो वज्रषण नारासन है। हाँ ऐसा अलौकिक बल होता है, इसीलिए मोक्षगामी जीव होते हैं सब। तीर्थंकर मतलब तीर्थंकर इधर मतलब देह का भी बल ऐसा अद्भुत है और आत्मिक बल भी ऐसा, तो ये ऐसा सहनन मिलता भी मतलब सामान्य हीन पुरुषार्थ के धारी जीवों का ऐसा सहनन होता भी नहीं, हृदय से भी विशाल होते हैं, शरीर से भी विशाल होते हैं, माने अंतरंग आत्मशक्ति भी अलौकिक और बाहर देह की शक्ति भी अलौकिक, कोई इनको सेना वेना की जरूरत थोड़ी नहीं होती, सेना इतनी शोभा की होती है, अकेले हजारों सेना का काम कर सब महापुरुष थे, एक से चक्रवर्ती, तीर्थंकर, नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र, जिनका आज भी पूरा देखो आप, आज भी पूरे विश्व में जितने दर्शन है राम कृष्ण आज भी नाम लेते हैं लोग, इतने आदर्श नारायण थे, प्रति नारायण थे, श्री कृष्ण राम बलभद्र थे, एक काल में एक ही होते, एक दूसरा होता ही नहीं, सामने कोई नहीं आता, एक नारायण के सामने दूसरा नारायण नहीं आता, कभी दर्शन नहीं होते, एक चक्रवर्ती को नारायण के दर्शन नहीं होते, चक्रवर्ती छह खंड का राजा, नारायण तीन खंड का राजा, दोनों कैसे आ जाए सामने, एक दूसरे को नहीं देखते कभी, यहां तक कि दूसरे खंड में चले जाए
तो दूसरे खंड में उसकी ध्वजा देख सकते हैं और शंख बजाए शंख सुन सकते हैं, लेकिन दूसरे खंड के भी चक्रवर्ती तीर्थंकर चक्रवर्ती नारायण को दूसरे खंड का नहीं मिल सकता। एक खंड का चक्रवर्ती दूसरे खंड के चक्रवर्ती से परस्पर में भेंट नहीं कर सकता। जैसे भरत क्षेत्र का इलाज क्षेत्र चले जाए, विदेश क्षेत्र चले जाए, चले भी जाए वो समझ लो तो वो मिलेगा नहीं उनसे, उसके ध्वजा के दर्शन होते हैं शंख वगैरह के। जैसे शास्त्र में उद्धरण नाराज सहनन, देखो वो कोई मतलब वज्रषभ नाराज सहनन पुण्य प्रकृति है, लेकिन मैंने कहा ना वो सहनन तो दोनों तरफ काम करता है, और पूर्व भाव में कोई मुनि होना जरूरी नहीं है उसके लिए। कोई जीव सीधे निगोस से निकल के और मनुष्यों के वज्रषभ नाराज सहनन को प्राप्त करके वो मोक्ष जा सकता है। निगोद बादल निगोद सूक्ष्म नहीं, बादल निगोद में है और बादल निगोद से क्या बना वो मनुष्य, उसी भाव मोक्ष। चक्रवर्ती के कितने पुत्र थे बताऊं मैं आपको, चक्रवर्ती के 923 पुत्र थे, वो पूर्व भाव में कभी मनुष्य नहीं बने। कहानी पढ़ी कि नहीं आप लोगों ने, किसने पढ़ी? भरत चक्रवर्ती के कभी पूर्व में मनुष्य पर्याय धारण नहीं की, बोलने का अभ्यास बोलना नहीं आता, पूर्व में मनुष्य नहीं बने होते, बोलने ही नहीं आता था हमको, एक तरह से बोले कि गूंगे हैं कहीं, बोलना आता था कि हमको बोले ही नहीं, पहले बोलने का संस्कार नहीं था हमको, और वो पहले मनुष्य कभी बने ही नहीं। वो चक्र निगोद से गिंजई की पर्याय धारण की, मनुष्य बन के मोक्ष गए। वो तो हम एक शब्द बोले कि हमें दिल दीक्षा दीजिए, मतलब बोलने का संस्कार नहीं कह सकते। अरे खैर वो बोले नहीं बोले उससे भी मतलब नहीं है, बात तो ये है कि मनुष्य बनना जरूरी नहीं है वज्रषभ नाराज सहनन के लिए, मेरे को तो ये समझनी थी बात, अपन हम दूसरे सब्जेक्ट में उतर गए। मैं तो ये कह रहा था कि उसके पूर्ण का मनुष्य पर्याय का बोलने का मतलब कोई उसने ऐसी पर्याय धारण ही नहीं की जहाँ उसने बोला हो, मेरे को तो ये बात समझानी। वो सीधे निगोद से गिंजई की पर्याय धारण करके सीधे मनुष्य बने, वो पूर्ण में कभी नहीं बोले, मैंने वो बोले तो केवल यही बोले अनंत काल में कि हमें जिन दीक्षा दीजिए, उसके अलावा कुछ बोले ही नहीं। तो कहाँ है वो सब, अपन लोगों के लिए जरूर अपन कह देंगे कि हाँ ये काम करो, बाकी ये सब सिद्धांत पढ़ो तो सिद्धांत तो कहता है कि भाई जीव कब सुलट जाए कौन सा क्यों भरोसा, देखो इसलिए तो कहता है देखो परिणामों की विचित्रता, कोई जीव नित्य निगोद से निकल के मनुष्यों के मोक्ष चले जाता है, और कोई जीव 11वें मनस्थान से गिर के निगोद चले जाते हैं, और अर्धगुद्गल परावर्तन काल में अनंत संसार अनंत सागर संसार में परिवर्तन परिभ्रमण करते हैं संसार को सामने। तो ये वज्रषभ नारायण सनन में सब कुछ हड्डियाँ और वज्र की होना भैया, लेकिन ये वज्रषभ नारायण सनन देह की विशेषता है, इससे आत्मा की पवित्रता का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यदि इससे आत्मा की पवित्रता मानेंगे तो फिर ये वाले सातवें नरक क्यों जाएंगे, सातवें नरक तो इन्हीं के लिए रिजर्व है, बाकी पांच सनन वाले केवल छठे तक जा सकते, और उसमें पांच सनन वाले नहीं, शुरू के तीन वाले वहां तक जाएंगे, तीसरे तक फिर पांचवे तक फिर छठे तक, ऐसा सारा हिसाब किताब है उसका। ये तो केवल लास्ट वाला जाएगा सातवें नरक, इसलिए अपने लिए ये अच्छा है कम से कम। ऊपर के रास्ते बंद है तो नीचे के भी बंद है, अपने लिए दोनों तरफ के बंद है, हाँ बीच के सारे।